वेलकम बैक फ्रेंड, आपके यूट्यूब चैनल इंडेलस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और एक गुड न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए है, क्योंकि फिर से शिक्षकों के जो है नई भर्ती आने वाली है। और ये भर्ती जो है ये आपकी माध्यमिक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा होगी। और इसमें लगभग 7000 पद जो है आपके फरवरी माह में इसके विज्ञापन प्रकाशित होने के आसार हैं। और यहाँ पे हालांकि इन्होंने 6500 पद लिखे हुए हैं, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि लगभग पदों की संख्या अधिकतम जो है वो 7000 के नियर अबाउट हो सकती है, ठीक है ना। और वर्तमान में भी जो है TGT और PGT 2016 के जो है एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर ही रहे होंगे, जिसमें आपके PGT की जो एग्ज़ाम की डेट है वो 1 व 2 फरवरी है। वहीं पर TGT 2016 के एग्ज़ाम की डेट जो है वो 8 और 9 मार्च दी हुई है, ठीक है ना। और फिर से ये वैकेंसी आने वाली है। और ये वैकेंसी जहाँ पर इन्होंने देखिए एक लाइन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सूबे के सभी विद्यालयों से शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी है, ताकि लोकसभा चुनाव से पहले विज्ञापन जारी किया जा सके। यानी आपका जो चुनाव होने वाला है मार्च से अप्रैल के बीच में लोकसभा का, उसके पहले जो है विज्ञापन जो जारी किया जा सके। फरवरी में अध्यापकों के करीब 7000 और पद विज्ञापित किए जाएंगे, ठीक है ना। और हालांकि नियुक्ति लोकसभा चुनाव के बाद होगी, तो अलग की बात है कि नियुक्ति प्रक्रिया कब होती है, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए TGT PGT 2016 के एग्ज़ाम अब जाके प्रस्तावित हुए हैं। हालांकि इसके पहले भी प्रस्तावित थे, लेकिन कुछ विषय यानी 8 विषयों को हटाने के कारण जो है एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन कर दिया गया हुआ था, तो फिर से नई डेट दे दी गई है। तो इसी प्रकार से ये जो 6500 पद इन्होंने दिए हुए हैं ये 7000 में कन्वर्ट हो सकते हैं। और इसमें TGT PGT किसके किसके पर पद कितने रहेंगे ये भी क्लियर नहीं है, ये जब विज्ञापन आएगा तभी क्लियर हो पाएगा कि किस सब्जेक्ट के या कितने पद रहेंगे। और ये जो जानकारी दी हुई है ये चयन बोर्ड के जो है सदस्य हैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय ने दी हुई है, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है अगर इस प्रकार के शिक्षक के पद आ रहे हैं। और 2019 शुरुआत शिक्षकों के भर्ती से हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये BEd कैंडिडेट या जो PG कैंडिडेट हैं जो भावी शिक्षक हमारे होने वाले हैं, हम सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है। तो फिलहाल आज की वीडियो बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इससे संबंधित अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।